तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो गाइस आज हम यहाँ पर खेलने वाले हैं फोर्जा होराइजन 5। तो गाइस जैसे कि तुम लोगों को तो पता ही है कि भाई अपने जो अंशुबिश भैया है भाई, उन्होंने भाई अपनी नई सुपर कार परचेज करी है, जो कि है गाइस अपनी पोर्शे की 911 करीरा। तो गाइस आज तुम्हारा भाई जो है उस गाड़ी को यहाँ पर परचेज करने वाला है। और ऑब्वियसली बात है यार, ये वाली गाड़ी जो है भाई अपन रियल लाइफ में तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि अपने औकात के बाहर है। हाँ, हम जो है गाड़ी को भाई गेम के अंदर परचेज कर सकते हैं, वो अपने औकात के अंदर आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं गाइस जो अपनी अंशुबिश भैया ने भाई 911 करीरा को परचेज करा है, वो यहाँ पर भाई गेम के अंदर कितना तगड़ा परफॉर्मेंस मतलब निकाल के दिखाने वाली है, और जो गाड़ी होने वाली है उसकी मतलब टॉप स्पीड कितनी होने वाली है। एंड बाकी अभी कमेंट में ऐसा मेरे को कौन लिख रहा है कि भाई अनमोल भाई, आप जो है भाई व्यूज छापने के लिए जो है मतलब उस वाली गाड़ी को परचेज करने वाले हो, वरना तो आप वो गाड़ी कभी परचेज नहीं करते। ना 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 गाइस, ऐसी बात नहीं है यार, वो गाड़ी जो है तुम्हारे भाई को भी थोड़ी थोड़ी लाइक जब से भाई अपने अंशुबिश भैया ने परचेज करी तब से अच्छी लगने लगी यार। तो मैंने सोचा चलो भाई अपनी मतलब रियल लाइफ में तो खरीदने की औकात है नहीं, तो एक काम करते हैं भाई गेम के अंदर ही चल के थोड़ी गाड़ी मतलब वो वाली गाड़ी चला के भाई फील ले लेते हैं, थोड़ा होता है ना दिल को ऐसा तसल्ली दे लेते हैं। तो आ चुके हैं गाइस अपन गेम के अंदर। एंड फिलहाल तो तुम्हारा भाई अभी भाई इस गेम की सबसे सबसे ज़्यादा जो महंगी मतलब अपने कलेक्शन में, ठीक है अपने कलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो महंगी गाड़ी है वो चला रहा है, और वो है गाइस अपनी लाफ फरारी। ठीक है, और आप लोगों ने अगर इसकी वीडियो ना देखी हो तो जाके देखना भाई कि ये वाली गाड़ी की जो है एक्चुअल में भाई कीमत इस गेम के अंदर कितनी है, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखोगे ना तो भाई आपके तो भाई होश उड़ जाने वाले हैं कि अनमोल भाई कोई गाड़ी इतनी ज़्यादा महंगी कैसे हो सकती है। मतलब जबकि ये गाड़ी पता है मार्केट में मतलब जहाँ से अपन लोग खरीदते हैं नॉर्मली गाड़ी, वहाँ पर तो भाई 1-2 मिलियन की है, पर जब मैंने इस गाड़ी को परचेज करा ना तो मुझे ही पता है भाई कि मैंने कितने पैसा इसको दिया है। तो अगर तुमने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके एकदम मस्त देखना, आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो गाइस अभी ज़्यादा बकवास नहीं करते, फटाफट से गाइस चलते हैं भाई अपनी पोर्शे 911 करीरा को परचेज करने के लिए, और देखते हैं भाई वो वाली गाड़ी यहाँ पर कितनी महंगी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कितनी भी महंगी हो यार तुम्हारा भाई इसको खरीद लेगा, क्योंकि ये अपने औकात में आती है। ठीक है, रियल लाइफ में तो तुम्हारा भाई उसका एक टायर भी नहीं खरीद सकता, मतलब मतलब वो गाड़ी का मैं टायर भी नहीं खरीद सकता हूँ। हाँ अगर तुम लोग अगर थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो शायद इन फ्यूचर तुम्हारा भाई इस लायक हो जाए कि अपन उस गाड़ी का एटलीस्ट मतलब टायर एक टायर तो परचेज कर ही सकते हैं। एंड बाकी चलते हैं गाइस, देखते हैं पोर्शे जो 911 करीरा है वो यहाँ पर कितने की होने वाली है। तो आ गए गाइस पोर्शे में, और अपने पास में काफ़ी सारी पोर्शे की गाड़ियाँ ऑलरेडी पड़ी है, जैसे कि अपने पास में टाइकन टर्बो एस भी है, और ये रही गाइस अपनी 911 करीरा एस। और वेट अ सेकंड गाइस, ये वाली गाड़ी तो भाई मेरे पे ओन दिखा रहा है, क्या ये गाड़ी मेरे पे पहले से है? हैं व्हाट, ये गाड़ी मुझे कब मिल गई यार, अभी मेरे को तो पता ही नहीं था आज तक। लो भाई कर लो बात, ये गाड़ी अपने पे पड़ी है और अपन इसको खरीदने आ रखे गाइस। ओ ये देखो भाई कितनी सारी पोर्शे पड़ी है भाई अपने पे, एक टर्बो टर्बो टाइकन जो है भाई अपने पे बहुत पड़ी है, टाइकन टर्बो एस तो 3 पड़ी है, और ओके ये रही गाइस 911 करीरा, और ये रही भाई अपनी 911 GT2 भी है भाई, काफी सारी पोर्शे की गाड़ी है गाइस। ये देखो 918 स्पाइडर भी पड़ी है यार, बहुत सारी पोर्शे का कलेक्शन हो गया है। फिलहाल तो गाइस आज हम ये वाली गाड़ी को यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं, तो देखते हैं भाई जो अपने अंशुबिश भैया ने जो गाड़ी के मतलब चॉइस करी है वो भाई कैसी चलने वाली है यार, क्योंकि देखो अपन रियल लाइफ में तो कभी चला नहीं पाएंगे, तो गेम में ही चलाते हैं। एंड लुक एट दिस गाइस, भाई एकदम वैसी लग रही है ना भाई, हाँ बिल्कुल वैसी लग रही है, पर वेट गाइस थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कोई चीज की मिसिंग है, पता है मिसिंग पता है क्या है, मैं अभी दिखाता हूँ। मिसिंग है इसका कलर, इसका कलर जो है ना उस गाड़ी से मैच नहीं करता, तो अपन ना इस गाड़ी को पूरा का पूरा वैसा ही बनाने वाले हैं, तो डिजाइन में चलते हैं। और मेरे को याद है कि उनने जो गाड़ी खरीदी है वो आई थिंक सर रेड कलर में है, ठीक है, तो अपन भी इसको ना रेड कलर में करने वाले हैं। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन एक काम करेंगे ये करने वाले हैं, फिलहाल मैं क्या करूँ यार, वेट हाँ मुझे पेंट कार करना है, मतलब आई मीन जो है अपन इस गाड़ी को कस्टमाइज कलर करने वाले हैं। ओ ये लो भाई एक ही बार में रेड कलर पे आ गई। एंड वेट गाइस इसमें से करेंगे ना भाई तगड़ा वाला रेड कलर, क्या बोलते हो? ओके ये तो भाई बहुत ही टट्टी सा हो गया रेड, वेट इधर ओके इधर नहीं है, हाँ अपन ना एक काम कर सकते हैं, ये तो थोड़ा पिंक हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क रेड हो रहा है, और ये भी वो रेड कलर नहीं है जो कि मतलब एक्चुअल में था, तो अपने को यहीं से गाइस जो है इस गाड़ी को रेड करना पड़ेगा। एंड मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है अपना वो कर सकता हूँ। एंड वेट और मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, हाँ साइड मिरर जो है अपन इसके ब्लैक कर देते गाइस, हाँ आई थिंक से ब्लैक अच्छे लगेंगे। ठीक है, बाकी ये क्या है, वेट ये कौन सा कलर, ओ ये विंडो का कलर यार, शीशे अपन कौन से करें, वैसे शीशे तो भाई काले ही तुम्हारे भाई को बढ़िया लगते हैं। एंड क्या मैं इसमें रेड कलर के भी शीशे कर सकता हूँ, हाँ यार बिल्कुल कर सकता हूँ गाइस, ये देखो भाई प्रॉपर रेड कर दूँ क्या, चलो रेड ही मार देते हैं। एंड ऑल गुड,
और टायर पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके अलॉय व्हील भी अपन कर सकते हैं गाइस। ओके लेट्स गो, अलॉय व्हील भी अपन रेड कलर के रखने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये क्या है, डिस्क पैड। ओके इसको अपन करेंगे, इसको करेंगे ग्रीन कलर का गाइस। हाँ एकदम बढ़िया, मस्त हो गई है। चलो अपनी जो गाड़ी है ना वो यहाँ पर हो गया भाई, सेव टू करंट कार, ठीक है। अपन ने जो है इसका कलर भी बिल्कुल वैसे ही सेम कर दिया, आई थिंक से रेड कलर ही थी, मेरे को याद है। हाँ भाई रेड कलर की थी, मेरे को ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो गाइस अभी इस गाड़ी को हम स्टॉक पे जो है भगा के देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस तुम्हारा भाई इसको ट्यून भी करेगा, मतलब मतलब मॉडिफाइड वगैरह भी करेंगे। फिर देखते हैं कि गाइस इस गाड़ी की जो है टॉप स्पीड यहाँ पर कितनी जाने वाली है। एंड गाइस अगर आप लोग जो भाई अंशु इस भैया के जो फैन हो यार, तो आप लोग जाके जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर आया तो यार सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि तुम्हारा भाई भी फ्यूचर में मतलब लाइक पोर्शे 911 करी रखा भाई, एटलीस्ट टायर तो परचेस कर पाए, ठीक है। तो जल्दी जाके सब्सक्राइब मारो। एंड गाइस लेट सी, मतलब लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस कार आ चुकी है भाई अपनी पोर्शे 911 करीरा। एंड साउंड सुनते हैं, ओ हो भाई साहब, मतलब कुछ ऐसा ही साउंड अपन ने सुना था भाई वीडियो के अंदर। ओ भाई लग तो रही है यार जबरदस्त। एंड गाइस शीशे लाइट कलर होने के बाद देखो अंदर से क्या मस्त लग रही है ना। ओ भाई बढ़िया लग रही है यार गाइस। एंड अंदर से इंटीरियर देखो गाइस, ऐसी कुछ था। ओके प्रॉपर अभी दिख नहीं रहा है, बट आई थिंक ऐसे ही कुछ था। एंड साउंड यार, साउंड तो जबरदस्त है गाइस। तो अभी भगाते हैं भाई, देखते हैं इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है भाई स्टॉक में यहाँ पर कितनी होने वाली है गाइस। एंड उसके बाद ना मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी से अपन एक रेस भी करेंगे, और देखते हैं गाइस कि अपन उस रेस में आई थिंक मतलब इस गाड़ी से जीत पाएंगे नहीं। एंड लेट्स गो यार, गाड़ी तो बढ़िया भाग रही है भाई, 200 बड़े आराम से चली गई यार। मेरे को लग रहा है 250-300 जाएगी गाइस, बहुत आराम से जाने वाली है, मेरे को फीलिंग आ रही है। और कंट्रोलिंग आया है, क्या प्यारी स्मूथ है भाई, क्या प्यारे टर्न मार रही है। देखो हालांकि स्पीड ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए टर्न अपन इजिली ले पा रहे हैं इस गाड़ी से। बट गाइज यार गाड़ी का साउंड सुनो यार, साउंड बहुत प्यारा है भाई, मजाक से हटके गाइज इस गाड़ी का साउंड बहुत ज़बरदस्त लगा मेरे को, मतलब बहुत ही प्यारा लाइट वेट साउंड, मतलब है मज़ा ही आ रहा है गाइज। एंड अभी ना फटाफट से अपन इसको ना हाईवे पे लेके चलेंगे, क्योंकि अपना असली स्पीड टेस्ट ना हमेशा वहीं होता है यार, और कहीं हो ही नहीं पाता। एंड ओके मेरे को लगता है मेरे को ना इसके अलॉय व्हील ना थोड़े से कुछ और कलर के करने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे ना थोड़ी गाड़ी जो है ना कार्टूनिश सी लग रही है, क्या बोलते हो, या फिर अच्छी लग रही है। वैसे तो मेरे हिसाब से अच्छी लग रही है, बट अगर ब्लैक ब्लैक कलर में होते मालिक तो थोड़ा सा और मजा आता है, क्या बोलते हो भाई। ब्लैक कलर में करना चाहिए था ना आई थिंक से। हाँ यार रेड कलर ना जमरी ना, या फिर ये फेक रेड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट वाला रेड हो गया ना, तो उतना हाँ जी थोड़ा सा ना गाड़ी का जो एक्चुअल में बॉडी पे कलर है ना वो वाला कलर नहीं हो पाया यार। हाँ यार वो वाले कलर नहीं है भाई अलॉय व्हील पे, वरना तो गाड़ी भाई के लगती यार थोड़ा सा ना, हाँ कलर मिसमैच हो गया। बट कोई नहीं, तुम्हारा भाई उसको चेंज कर लेगा, अभी अपन जब इसको कस्टमाइज करने जाएंगे ना, मतलब ट्यून वगैरह कराएंगे, मॉडिफिकेशन कराएंगे, तब जाके अपन कर लेंगे गाइस। एंड चलो गाइस अभी भाई जो है अपन इस गाड़ी की टॉप स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, तो फटाफट से हाईवे पर चलते हैं, फिर उसके बाद दबाते हैं भाई थ्रॉटल और भगाते हैं इस गड्डी को, देखते हैं भाई इस गाड़ी में कितना पोटेंशियल है, कितनी मैक्स स्पीड तक ये भाग पाती है, ठीक है। एंड चलो अभी यहाँ से जो है अपन एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे गाइस, ठीक है, ताकि 0 to 100 भी पता लग जाए। तो चलो गाइस देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी होने वाली है। तो 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। एंड ओके 0 to 100 अभी थोड़ा सा टाइम ले रही है, मतलब अपन लोग काफ़ी मतलब तगड़ी हाइपर कार चलाते हैं ना, तो थोड़ा सा उनके कंपैरिजन में इसकी 0 to 100 मेरे को थोड़ी सी कम लगी, बट ठीक है ठीक है ठीक है भाई बढ़िया है। एंड अभी तो यार अपन इसको मॉडिफाइड भी करेंगे दोस्तों, तब सोचो यार ये गाड़ी की टॉप स्पीड कितने जाने वाली है। एंड लुक एट दिस गाइस, भाई स्टॉक में जो गाड़ी है भाई 300 भाग गई ना, तो मज़ा आ जाएगा भाई, मतलब तब तो समझ लो यार कि अपने जो भाई साहब है ना, मतलब अपने जो भैया हैं नॉट गेमर फ्लीट भाई, उनकी चॉइस एक नंबर है भाई, एक नंबर चॉइस है गाइस। एंड ओ भाई गाइस गई 300 भाई साहब, ओ भाई साहब भाई भाई नॉट गेमर फ्लीट की चॉइस के लिए यार एक लाइक तो बनता है गाइस वीडियो को यार, एक लाइक तो बनता है भाई। अगर आप उनके सच्चे फैन हो ना तो भाई जल्दी से आगे लाइक ठोको गाइस। भाई गाड़ी की स्पीड देखो यार स्टॉक में भाई 310 भाग रही है यार, लो 312, 13, 14, 15 ओके भाई 315 भाग रही है यार, लो भाई 320 चली जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मालिक जब इतना हो गया तो थोड़ा सा और हो जाता तो और थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्या बोलते हो, इतना खर्चा हो गया है, अरे यार थोड़ी सी बढ़ जाए भाई। ओके थोड़ी सी स्पीड कम हो रही है अभी बढ़ने की बजाय,
हाँ मेरे को लगता है गाइस कि अगर कहीं पे रोड पे अगर लाइक स्लोप टाइप का रहा ना तो वहाँ पर आराम से 320 जाएगी, 318 गई भाई, लो 320 पार कर दिया, 325 तक लो। अरे भाई इसकी तो स्पीड बढ़ती जा रही है यार, क्योंकि यहाँ पर रोड पे स्लोप था ना, तो इसीलिए ऑलराइट गाइस भाई 332 की टॉप स्पीड निकल के आई भाई स्टॉक गाड़ी में। सोचो यार स्टॉक कार है, अभी तो हमने इसमें कुछ भी नहीं करा है सिवाय कलर के, मतलब कलर ही अपन ने इसका चेंज करा था, बाकी तो अभी कुछ भी नहीं करा है। तो गाइस अभी फटाफट से जो है अपनी पोर्शे को लेके चलते हैं, ठीक है, और चल के जो है इसको ट्यून कराते हैं, मतलब मॉडिफाइड कराते हैं, फिर देखते हैं गाइस कि इस गाड़ी की जो है मैक्स टॉप स्पीड जो है क्या रहने वाली है, क्या ये गाड़ी जो है हमें 400 की टॉप स्पीड दे पाएगी। यार क्या लगता है गाइस, आई थिंक से देना तो चाहिए, अभी देखते हैं। तो चलते हैं फाइन ट्यूनिंग सेटअप में, और भाई पुराना वाला तरीका अपन करेंगे, ठीक है, अपन जो है खुद से भैया मैकेनिक नहीं बनने वाले, उसमें तो माथा पच्ची तो दिमाग की। ओ भाई साहब 450 की टॉप स्पीड दे रही है भाई, अरे मजाक है। ए भाई साहब, भाई तभी मैं कहूँ कि अपने जो आपने अगर गेमर फ्लीट भैया को मतलब फॉलो करते हो तो उन्होंने मतलब बोला था कि उनको भाई निसान GTR पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है, बट गाइस भाई तभी मैं कहूँ कि बंदा निसान GTR की बजाय ये क्या मतलब ये वाली गाड़ी क्यों लेके, भाई इसकी टॉप स्पीड देखो यार 450 जा रही है, मतलब भाई गेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गेम में 450 भाग रही है, रियल लाइफ में तो घंटा इतनी नहीं जाएगी आपको भी पता है। एंड ओके गाइस 452 की हमें टॉप स्पीड मिल रही है, भाई डलवाते हैं देखते हैं कितना खर्चा आने वाला है, लेट सी कितना पैसा जाने वाला है इसके मॉडिफिकेशन में। ओ भाई 130,000, ओके जी कोई नहीं, पैसा बहुत है, कर दो अभी कर दो, हैंड टू हैंड कर दो। हाँ चलो गाइस अपनी यहाँ पर गाड़ी में जो है ट्यूनिंग तो बैठ गई है, अभी ना मेरे को बस यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा काम करना है, और वो काम ये है कि मुझे ना अपनी गाड़ी के जो अलॉय व्हील है ना उसका कलर थोड़ा सा और चेंज करना है यार, ये ना ये वाला कलर मतलब ऑरेंज टाइप का होगा, मेरे को चाहिए भाई रेड कलर, ओके ये वाला रेड नहीं, ये नीचे है भाई रेड कलर, ये है ये नहीं, हाँ ये कलर गाइस, ये कलर एकदम मैच हो रहा है, अगर मैं ब्लू कर दूँ तो ना ब्लू नहीं यार, फिर तो वाइट, नो अगर ब्लैक करके देखे जाए तो ब्लैक एक बारी करा के देखते हैं यार, ओके ब्लैक भी अच्छे लग रहे हैं यार गाइस, ब्लैक कलर आई थिंक से गुड, मेरे हिसाब से तो अच्छे लग रहे हैं, बट मैं ना अभी के लिए फिलहाल तो रेड ही कर रहा हूँ, ठीक है, रेड कलर इज अ परफेक्ट, एंड लेट्स गो बॉयज, यो बॉय, चलो गाइस चलते हैं भैया गाड़ी को निकालते हैं बाहर, और चल के गाइस अभी देखते हैं ये गाड़ी भाई क्या ये 450 जा रही है, अगर ये भाई 450 चली जाना तो गाइस मजा आ जाएगा यार, चलते हैं गाइस। एंड अभी तो ना अपन को इस गाड़ी से एक रेस भी करनी यार, तो रेस में भी देखते हैं कि इस गाड़ी का परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसा रहने वाला है, फिलहाल तो अभी तुम्हारा भाई एक्साइटेड है इसकी टॉप स्पीड चैट दोबारा करने का। और गाइस अभी गाड़ी का साउंड सुनते हैं, वैसे तो गाड़ी में कोई भी स्पॉइलर वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ है, तो ओ भाई यार अभी तो पूरा ही साउंड बदल गया यार ये देखो, बट यार गाइस मैं सच्ची बताऊँ ना तो पुराना वाला साउंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, बट ओके ठीक है अभी क्या ही कर सकते हैं, गाड़ी का हमने परफॉर्मेंस जब नेक्स्ट लेवल पहुँचाया तो साउंड तो थोड़ा बहुत होएगा। और आए हाय गाइस भाई यार अपनी गड्डी में स्क्रैच आ गया यार, यार वो यार ये तो गलत सीन हो गया गाइस, भाई सोचो यार अंशुभिष भैया अगर ये वीडियो देख ले तो भैया घर पे ही आ जाएंगे, मेरे को तो लग रहा है कहेंगे तूने मेरी गाड़ी के साथ करा गया भाई, ये देखो यार गाड़ी टूट गई भाई साहब। सो भाई कोई नहीं गाइस चलते अभी फटाफट, मतलब एक तरफ से तो कोना टूटा ही टूटा पीछे का दूसरी तरफ भी हो गया यार, मतलब होता है ना भाई कि अरे अच्छा चलो एक तरफ से खराब हो गया फिर दूसरी तरफ से भी खराब हो गया, अरे यार गाइस गलत ही सीन हो गया। एंड चलो गाइस अभी टॉप स्पीड मारते हैं अपन, लेट्स गो, अब देखते हैं गाइस ये वाली गाड़ी जो है कितनी स्पीड से भाग दी है, तो चलो गाइस 3-2-1 एंड लेट्स गो। एंड गाइस इसका ना स्पॉइलर देखो भाई ऑटोमेटिक पीछे से निकल आता है, मतलब गाड़ी की स्पीड जब ज़्यादा होती है ना अपने आप ही ऊपर आ जाता है, एंड ओ भाई स्पीड अब तो बहुत गोली की तरह पकड़ रही है यार, भाई अब तो 0-100 भी बहुत ही कम टाइम हो गया यार इसका, अरे यार गाइस ये तो आराम से 450 भागेगी यार, ओ भाई अंदर से चलाने में तो क्या मजा आ रहा है यार, ओ भाई साहब भाई 445 भाग रही है यार, ओए आराम से थोड़ा बाहर से चलाते हैं अंदर से तो भाई मजा आ रहा है, ओके गाइस 450 गई यार, चूम अंतर हो गई भाई ये तो 450 लॉक कर दिया भाई, पकड़ ली इसने पूरी स्पीड। एंड सोचो रोड पे अगर स्लोप आएगा तो मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही और ख़तरनाक स्पीड आया है, आराम से बबुआ ज़्यादा एक्साइटमेंट में पता लगा गाड़ी में बैठ देना, ओके
बट 450 तो बढ़ नहीं रही यार, अपन ने 452 वाली ट्यूनिंग कराई थी गाइस। ओके 51 हिट कर रहा है, 451 52 जाएगी क्या, क्या जाने वाली हो मैडम आप, बता दो प्लीज, बता दीजिए थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा मेरे को। ओके अभी जाएगी गाइस, 452 53 454 तक गई थी, एक बार ही गई थी। अगर आप लोग अगर वीडियो को थोड़ा पीछे जाके और स्लो मोशन में देखोगे ना, स्पीड स्लो करके, तो देखेगा 454 तक गई थी गाइस। तो गाइस अभी ना अपन इस गाड़ी से एक तो रेस करेंगे, ठीक है, तो अभी ना अपन चलते किसी रेस में पार्टिसिपेट करने, जहाँ पे अपन ये वाली रेस करेंगे यार, थोड़ी सी बड़ी हो तो और मज़ा आएगा, एंड थोड़ी सी बड़ी हो और सीधी हो, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ी सी बड़ी और सीधी हो ना तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ ये वाली रेस कर सकते हैं गाइस अपन, हालांकि ये थोड़ा सा, ओ भाई 9 किलोमीटर दूर है यार, इतनी दूर जाना चाहिए क्या? वैसे जा सकते हैं अपन, बट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा गाइस, एंड वेट एक काम करते हैं ना, कोई और रेस देखते हैं भाई साहब। ये वाली एक नई रेस आई है, यहीं पर चलते गाइस, ठीक है, एक नई रेस आई है, 2.6 किलोमीटर दूर है, फटाफट से अपन पहुँच जाएंगे। और बोली डेस्टिनेशन दिखा इधर रहा है और रास्ता कहीं और से बता रही है मैडम, भाई ये अलग ही सीन है यार भाई। अपनी जो क्या बोलते हैं गूगल वो है ना, यहाँ तो गूगल बाबा है नहीं, यहाँ पर तो पता नहीं कौन सी मैडम जी को, फर्जी मैडम जी को बैठा रखा है वो, भैया रास्ता कहीं और, रास्ता है जाना कहीं और बता कहीं और ही नहीं है भाई। हाँ उनकी भी गलती नहीं, अपन तो शॉर्टकट मार रहे ना भाई, ये देखो भाई ऑफ रोडिंग भी फेल दे रहे हैं भाई अपन। अरे अरे ब्रेक लग जाओ, थामो हो जाओ। ओके गाइस चलो अभी देखते हैं गाइस कि यार अपन ये वाली ड्रैग मतलब रेस ये वाली जीत पाते हैं या नहीं अपने पॉर्शे से। क्या लगता है दोस्तों, क्या अपन ये रेस जीत पाएंगे या फिर अपन हार जाएंगे? लेट्स सी क्या होने वाला है। तो अपन यहाँ पर लेने वाले हैं गाइस करंट कार, ठीक है, करंट कार से अपन इसको रेस करेंगे, लेट्स गो गाइस, देखते हैं भाई क्या होता है, एंड लेट्स सी गाइस। देखो भाई ये है भाई अपनी पोर्शे 911 करीरा एस, भाई क्या मस्त लग रही है यार गाड़ी, तो नो डाउट भाई दिखने की तो एक नंबर है, एंड भाई क्या ही कलर लग, कलर देखो यार, कलर चॉइस भी भाई भाई की एक नंबर है भाई, रेड कलर में काफ़ी प्यारी लग रही है वाली गाड़ी। एंड क्या लगता है गाइस कि अपन ये वाली रेस जीतेंगे या फिर हार जाएंगे? लेट्स सी क्या होता है। अभी तो रेस में अपन को एंटर करने दो, तब तुम्हारा भाई दिखाएगा कि कितने पानी में अपन, ठीक है, तो अभी हो जा भाई जल्दी स्टार्ट हो यार, बहुत ज्यादा टाइम लगता है यार, हो जा भाई। ओके गाइस यहाँ पर रेस में भाई टोयोटा सुप्रा 2020 वाली भी आ रखी है यार। ओके लेट्स गो गाइस, रेस करते हैं भाई साहब, वही जो ही देखी जाएगी भाई, जीत तो जाएंगे। एंड दो टोयोटा सुप्रा जी आर आ रखी है भाई साहब यहाँ पर, एंड भाई टोयोटा की भी और गाड़ियाँ रखी हैं यार, टोयोटा की कुछ ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बट गाइस ये रेस अपन को जीतनी है कुछ भी करके, भाई नाम नहीं डुबाने हैं तुम्हारे भाई को, हट जाओ बैस की तुम्हारी हो भाई। और एक और पोर्शे आ रखी है गाइस, एंड एक तो भाई फरारी आ रखी है, वेट हाय हाय गड़बड़ हो गई जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। ओ भाई लो फर्स्ट आ गए गाइस, अरे यार तुम्हारे भाई को हल्के में ले रहे हो क्या है, हल्के में ले रहे हो क्या गाइस, सुन लो, अरे इन बच्चों को कुछ समझाओ यार, अपने अंशु बीस भैया की गाड़ी है, ऐसे थोड़ी ना हरवा देंगे जी, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भाई साहब। अभी तुम देखते जाओ गाइस, अभी तो यार बस थोड़ा सा मैं गाड़ी को ज़्यादा ही ठोक रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी दिक्कत आए है, शिट यार यहाँ पर रिवाइंड करना पड़ेगा, यहाँ ना तुम्हारे भाई ने कुछ ज़्यादा ही पतला वाला गोबर कर दिया था, तो थोड़ा समेटना पड़ेगा, आराम से चलना यार, गाड़ी थोड़ी सी मुड़ने में दिक्कत दे रही है, लाइक हैंडलिंग थोड़ी सी मेरे को लग रहा है मैंने टॉप स्पीड के चक्कर में ना बिगाड़ दिया इस गाड़ी के, बट कोई दिक्कत नहीं है यार, गाड़ी तो अपनी मस्त भाग रही ना गाइस, एंड 50% रेस कंप्लीट भी हो चुकी है यार। चलो गाइस रेस जीतते हैं भाई, दिखाते हैं यार अपने भाई की गाड़ी को, इनको हराना इतना भी आसान नहीं है बच्चों के लिए, हट जाओ तुम्हारी बहस की, हटाओ अपने अट्टे फट्टे सब फोड़ दूंगा। ओके लेट्स गो यार, अरे यार गाइस पता है थोड़ी सी दिक्कत पता है क्या आ रही है, तुम्हारे भाई ने ना काफ़ी टाइम से ना, मैं क्रू मोटर फर्स्ट खेल रहा हूँ, तो मेरे को ना उसकी थोड़ी सी आदत पड़ी, मैं उसके वाले ब्रेक मार रहा हूँ समझ रहे हो, तो थोड़ा सा इसलिए बीच बीच में कभी कभी गड़बड़ हो जा रही है, मेरे से ना गलत बटन दब जा रहा है पता है। चलो अभी भगाते हैं ना बेड़ो यार, एक तो सीधा रास्ता नहीं है ना इस रेस में, वरना तो ये नमूने दिखाई भी ना दे यार अपन को, और वैसे भी अपन इतनी हाई लीड में चल रहे हो, देख रहे हो पीछे दूर दूर तक कोई है ही नहीं भाई, बंदे दिख भी नहीं रहे, मैप भी दिख रहे हैं रास्ते पे तो दिख ही नहीं रहे यार। एंड ओके गाइस आगे, ओ यार यहाँ पर ना मैं ड्रिफ्ट मारने की सोच रहा था, और अभी स्ट्रेट रोड है और रेस भी एंड होने वाली है गाइस, एंड तुम्हारे भाई ने देख रहे हो यार फर्स्ट पे रेस फिनिश करी है यार गाइस,
अब तो यार लाइक कर दो यार, देखो अब नहीं करोगे तो कब करोगे भाई, अब नहीं करोगे तो कब करोगे यार। गाइस जाओ जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक मारो, एड चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी ठोको गाइस। और बाकी गाइस अपनी जो गाड़ी है वो तो यहाँ पर जीत ही चुकी है, आप देख सकते हो भाई अपनी 911 थी, और काफी लोगों की अल्फा रोमियो भी आ रखी थी, पोर्शे 911 C2 थी, एक टोयोटा सुप्रा थी, माजदा RX-8 आ रखी थी, ऑडी TT, बहुत सारी गाड़ियां आ रखी थी भाई, बट सबको पीछे छोड़ दिया भाई अपने पोर्शे 911 करियर ने। एंड गाइस अपनी जो गाड़ी यार नो डाउट काफी ज्यादा मस्त हो गई है और काफी बढ़िया भी भागने लगी भाई, 450 की स्पीड से भागती है, और क्या ही लोग यार, बच्चे की जान लोगे क्या भाई इतने पैसा में। और ये गाड़ी तो तुम्हारे भाई को पता नहीं कभी स्पिन व्हील वगैरह में फ्री में मिल गई थी, मेरे को तो याद भी नहीं है भाई कि कब मिली थी, बट तुम्हारे भाई ने देखा तो ये गाड़ी अपने तो ऑलरेडी परचेस रखी थी, तो पैसा थोड़ा सा बच गया गाइस। अरे वैसे भी अगर खरीदनी भी पड़ जाती ना तब भी अपन अपने यार भैया के लिए तो मतलब अपने गेमर फ्लीट भैया के लिए तो भाई खरीद ही लेते यार, क्या ही बोलते हो। वो अलग बात है कि तुम्हारा भाई ये सब कुछ मतलब समझने वाले समझ गए होंगे। बाकी गाइस आज की वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। एंड गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी यार तो दोबारा बोल रहा हूँ एक बारी, और प्लीज़ यार लाइक कर देना, और चैनल बनाया तो सब्सक्राइब मारो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।